स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेवन, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था कि दो ह्यूमन बींग्स को अगर मंकी से कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बींग्स आर क्लोजली रिलेटेड एज़ कम्पेयर टू मंकी। अगर एक काउ को और इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि मंकी इज़ देन क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग एज़ कम्पेयर टू काउ। तो किन बेसिस पर हमने इन जो ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर किया? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यही हमारी जो नींव है उन जो जिसके ऊपर हमारे डाइवर्सिटी जो है, जिसमें जिसको हम वेरिएशन कहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को अब डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, हम सबसेक्शन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स? तो हमें क्यों ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को क्लासिफाई करना ज़रूरी है? बिकॉज वी नीड टू क्लासिफाई दैम फॉर देयर ईजी स्टडी। अगर हमें देखो, धरती पर ना कितने मिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो इन सभी को बच्चों इट्स वेरी डिफ़िकल्ट स्टडी करना। अकेले अकेले अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इस मुश्किल से बचने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम स्टडी कर पाए जो भी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है अर्थ पर, तो हमने उनको कुछ ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डाल दिया है। तो एक उन ग्रुप्स में, कैटेगरीज में कैसे डाला? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। और वो करेक्टरिस्टिक क्या थे? जो सिमिलर थे वो एक ग्रुप में, और जो डिसिमिलर थे वो अलग ग्रुप में, और जो थोड़े से क्लोज रिलेटेड है तो फर्दर उनके क्या बना दिए गए? सब सेक्शन। तो बच्चों, इससे क्या हुआ? हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो गई। तो इस तरह से हम मैक्सिमम जीवों को पढ़ पाते हैं, और धरती पर मैक्सिमम जीव हैं जो ह्यूमन की नज़रों से बच नहीं पाए, और लेकिन अभी भी खोज जारी है। और जैसे जैसे नए जीव मिलते जा रहे हैं, उन्हें फर्दर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, जो भी क्लोज रिलेटेड ग्रुप है उसमें डाल दिया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो बच्चों, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म? फॉर देयर ईजी स्टडी। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। तो बच्चों, यह एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एक तरफ तो पहला एग्जांपल है बैक्टीरिया का, जो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल फ्यू माइक्रोमीटर, जबकि दूसरी तरफ है ब्लू व्हेल। तो कितनी डाइवर्सिटी होगी बच्चों जीवों में ही। अगर हम बात करें रेडवुड ट्री की, कैलिफोर्निया की, वो कितना ऊंचा ट्री है। तो इस तरह से हमने दूसरा एग्जांपल किया था बच्चों कि मॉस्किटोज की लाइफ फ्यू डेज़ होती है, जबकि पाइन ट्री होता है वो सालों साल जीवित रह सकता है। इस तरह से अगर हम लाइफ को कंपेयर करें, एक तरफ तो हमें कलरलेस वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ हमें बहुत सुंदर बर्ड्स, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो बच्चों, थ्री एग्जांपल्स थे जो बेसिकली हमारे जो आसपास की लाइफ है उसको दिखाते हैं कि कितनी वेरिएशंस हैं, कितनी विभिन्नता भरी हुई है अर्थ पर, फिर भी ये सभी अवेलेबल हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ 7.1, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो बच्चों, यह आज का कोई प्रक्रिया नहीं है कि हमने आज अभी मॉडर्न जो हमारा युग है, कि हमने अभी 20वीं शताब्दी से ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई शुरू करना शुरू किया है। यह आज का हमारा जो है, यह आज का काम नहीं है। यह वर्षों पहले से ही, जब धरती शुरू हुई थी तब क्या धरती पर ह्यूमन बींग्स आए थे, तो उन्होंने तभी से इन जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में डालना शुरू कर दिया था, उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। तो एक महान वैज्ञानिक थे ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल। तो बच्चों, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि एरिस्टोटल हमारे जो हैं वो हैं फादर ऑफ हमारे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ एरिस्टोटल। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया था? एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लाइव डोन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया था, जब शुरू में क्लासिफिकेशन शुरू की थी तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ जीवों को क्लासिफाई कर दिया था, जो रहते हैं धरती पर, लैंड पर, जो पानी में रहते हैं और जो हवा में रहते हैं। इस तरह से उन्होंने एक नींव रख दी थी क्लासिफिकेशन की। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। तो यह बहुत ही आसान तरीका था
कि जीवों को देखने का, पर यह एक मिसलीडिंग मतलब एक सही तरीका नहीं था। इससे गलत फहमियाँ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप कैसे जीवों को ऐसे अलग कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंड वाटर एंड एयर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड्स कोरल, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क्स। तो बच्चों, अगर आप अगर समुद्र के अंदर जीवन देखते हो, तो एक तरफ तो कोरल्स हैं जो सीपियाँ होती हैं, वेल्स हैं जो इतनी बड़ी एनिमल होती हैं, ऑक्टोपस जिनकी शेप ही आप देख सकते हो अलग होती है, बिल्कुल बॉडी शेप और उनका जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ही अलग। स्टारफिश जिसमें आपने देखा है कि 5 आर्म्स होती हैं, शार्क होती हैं। तो यहाँ पर आप कैसे उन जीवों को, सभी पानी में रहने वाले जीवों को, बस उनके हैबिटेट के ऊपर उनको एक ही कैटेगरी में डाल सकते हो? तो यह बहुत गलत था, क्योंकि ये सभी जीव एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। बेशक उनका हैबिटेट वाटर है, पर दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बच्चों, वी कैन इमीजिएटली सी दैट दिस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द न्यूमरस वे। तो हम देख सकते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। बस ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे वाटर क्या था, सिर्फ एक हैबिटेट ही एक कॉमन थिंग थी जो सब में सिमिलर थी, लेकिन उनका जो बॉडी शेप, उनका हैबिट, फीडिंग हैबिट, वो सब कुछ क्या है, अलग है। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो हम कह सकते हैं ये कोई सही तरीका नहीं था जीवों को ग्रुपिंग करने का या फिर उनको क्लासीफाई करने का। ठीक है, वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच करेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिवीजन। तो बच्चों, अब हमें ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लिए जाएं जिनके ऊपर यहाँ पर जो जीवों को क्या किया जाए, अलग अलग किया जाए। तो बच्चों, देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स विद इन दिस डिवीजन। तो बच्चों, जो बिल्कुल ही एक ही कैटेगरी के थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया, अगर कोई मिलता जुलता है तो उसको उसका सब सेक्शन या सब ग्रुप बना दिया गया, ताकि ज़्यादा ईजीनेस रहे क्लासिफिकेशन में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू करेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो बच्चों, जैसे जैसे नए करेक्टरिस्टिक्स ऐड होते गए, क्लासिफिकेशन भी क्या होती गई, क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस आते गए। तो बिफोर वी गो ऑन, वी नीड टू थिंक अबाउट वट इज़ मेंट बाई करेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, हम बहुत टाइम से वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, किसी भी जीव में कुछ खास तरह के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को ही हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स। When we are trying to classify a diverse group of organism, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. तो बच्चों, हमें जब भी हम जीवों को ग्रुपिंग करते हैं, तो हमें स्पेशली हम क्या देखते हैं, जो करेक्टर क्या है, सिमिलर है। दिस वेज इन फैक्ट आर डिटेल ऑफ अपेरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। फिर हम उनके जो बिहेवियर हैं, उनकी उनके फंक्शंस हैं, उनकी बॉडी फॉर्म है, फीडिंग हैबिट है, फर्दर वो चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह से हम जीवों की ग्रुपिंग करते हैं। वट वी मीन बाय अ करेक्टरिस्टिक इज अ पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर फंक्शन। तो बच्चों, यहाँ अगर सही मायनों में पूछा जाए कि लक्षण क्या है, लक्षण है एक खास तरह के फीचर होना, खास तरह के फंक्शन होना किसी ऑर्गेनिज्म में। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड इज दस अ करेक्टरिस्टिक्स। तो ह्यूमन प्रजाति का एक खास करेक्टरिस्टिक है कि हमारे हाथों में सिर्फ कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। अब आपको हो गए कि कई लोगों के हाथों में 6 भी होती है, तो वो एक्सेप्शन है बच्चों। लेकिन मोस्टली हमारा क्या करेक्टरिस्टिक है, हमारा करेक्टरिस्टिक है कि हमारे हाथों और पाँव की कितनी उंगलियाँ हैं, ओनली 5। दैट वी कैन रन बट द बनियन ट्री कैन नॉट, इट इज़ ऑल्सो करेक्टरिस्टिक। अगर हम अपने आप को प्लांट से कंपेयर करें, तो हम तो दौड़ सकते हैं जबकि बनियन ट्री नहीं दौड़ सकता। तो ये सिंपल बात है, एनिमल्स को अलग कैटेगरी में डाल दिया गया और प्लांट्स को अलग कैटेगरी में। तो आधा डिवीजन यहीं से शुरू हो गया बायोडाइवर्सिटी में, कि एनिमल्स अलग हो गए और प्लांट्स अलग हो गए। Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. The stone used will have different shapes and sizes.
तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्टरिस्टिक फंडामेंटल, मतलब जो मेन करेक्टरिस्टिक जिसको हम आधार बनाए अपनी ग्रुप क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा करेक्टरिस्टिक होगा इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स में। तो लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन वॉल इज़ बिल्ट। तो पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कैसे एक दीवार बनती है। द स्टोन्स यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो हम स्टोन्स देखते हैं कि पत्थर अलग अलग तरह के शेप होते हैं, साइज होते हैं। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन्स दैट कम बिलो देम। तो बच्चों, जो स्टोन होता है सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है वॉल को, वह बिल्कुल भी नीचे जो प्रेजेंट है उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। तो बच्चों, मैं इसको ना समझाने के लिए बस आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब आप एक गेम होता था, आप देखते थे, पिट्ठू बोलते थे जिसमें, आप क्या करते थे उसमें पत्थरों को ऐसे जचाते थे, है ना, और उस पत्थर को सबसे जो ज़्यादा सिमिलर होता था उसको नीचे रखते थे, फिर ऐसे फटाफट से पत्थरों को जचाना शुरू हो जाता था ताकि वो एकदम सिमिलर हो। अगर बाई चांस अगर नीचे वाला पत्थर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता, क्या आप उसको अच्छे से जचा पाते? नहीं जचा पाते। इसका मतलब ये है बच्चों, जो हमारा नीचे का पत्थर है वो हमें सोच समझ के लगाना पड़ता था, क्योंकि वही हमारी क्या है बेसिकली बच्चों, वो हमारी नींव है और उसके ऊपर ही हमारी दीवार का फ्यूचर है। तो इसी तरह से वो जो नीचे वाला स्टोन है वो मेन स्टोन है, मेन करेक्टरिस्टिक है, जिसके ऊपर अदर करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो नीचे वाला स्टोन है वो फ्यूचर डिसाइड करता है ऊपर वाले स्टोन्स का। अगर वो ढंग से नहीं अगर एडजस्ट होगा तो क्या हो जाएगी, दीवार नीचे गिर जाएगी। तो वो जो सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है, अगर आप जो करेक्टरिस्टिक है जो क्लासिफिकेशन के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स चूज़ करते हैं, अगर आपने वो बिल्कुल एग्जैक्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक चूज़ नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो रॉन्ग भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले उस फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक को ढूंढना पड़ेगा जो कॉमन है, ठीक है बच्चों। द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक करेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर करेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लोअर मोस्ट पत्थर होता है वही फ्यूचर डिसाइड करता है ऊपर वाले पत्थरों के बारे में। तो द करेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वैरायटी इन द नेक्स्ट लेवल। और इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स भी आने वाले जो लेवल्स है या जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिसाइड करता है जो पहले का करेक्टरिस्टिक, जो मेन फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है वही हमारी क्लासिफिकेशन को एकदम एग्जैक्ट बनाता है। अगर आप रॉन्ग करेक्टरिस्टिक चूज़ करते हो तो आपकी क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड करेक्टरिस्टिक टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। और बच्चों, इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक्स को जो है अरेंज करना शुरू करते हैं और एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमें मिल जाती है, अगर हम फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक को साथ के साथ लेकर चलें। तो बच्चों, यहाँ पर एक टर्म आई है कि हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? तो हायरार्की बच्चों होता है ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट, कि ऑर्डर वाइज मतलब या सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट। जब आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में जचाते हो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हायरार्की। तो ये हायरार्की शब्द कोई मुश्किल शब्द नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, पता भी होना चाहिए व्हाट इज हायरार्की, ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट या सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक न्यू टर्म अभी अभी पढ़ी है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। नाउ डेज वी लुक एट मैनी इंटरलेटेड करेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वट आर सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ सच करेक्टरिस्टिक यूज फॉर हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हम चूज़ करते हैं ऑर्डर वाइज सिक्वेंस वाइज क्लासिफिकेशन के लिए। तो बच्चों, आज इतना ही। आप एक बार चैप्टर को पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। धन्यवाद।